ये लोग गलतफहमी के शिकार हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत के आई थी, तीन स्टेटों में जीत के आई थी। लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें बीजेपी जीत के आई थी, जितनी भी लोकसभा की सीटें थी। कर्नाटक का स्टेट लेवल का चुनाव है, अलग अलग स्तर के चुनाव पे जनता अलग अलग निर्णय लेने का काम करती है। अभी कर्नाटक के चुनाव का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अभी जब पार्लियामेंट का चुनाव आएगा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कोई भी विकल्प नहीं है। विपक्ष में चाहे जितनी एकता कर ले, लेकिन विपक्ष के पास वोटर नहीं है। ममता जी के पास अगर बंगाल में है तो अखिलेश जी के पास केवल यूपी में है, एक दूसरे के स्टेट में नहीं है। लालू जी का अगर वोट वहाँ पे मिलेगा, बिहार में नीतीश जी का मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दूसरे स्टेट में नहीं है। और जैसे ही ये गठबंधन बनाएंगे, हम तो चाहते हैं इनका गठबंधन बन जाए, इनका गठबंधन जब बन जाएगा तो इसका 20-25% वोट जो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता है, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी को देगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस 2024 में 350 से ज़्यादा सीट जीत के आएंगी, और जो हमारा एनडीए अलायंस है उसमें 400 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीत करके 2024 में आएंगे। राहुल गांधी से मुलाकात किया उन्होंने, एक दिन में सारी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो एक साथ मीटिंग करने का सोच रही है। ये जब मिलते हैं तो एक दूसरे का दुख बांटते हैं, अपनी तकलीफें बताते हैं, और तकलीफें बता करके फिर मन में आपस में बात करते हैं कि हम लोग साथ रहेंगे। ये नेता साथ रह सकते हैं, जनता इनके साथ नहीं जुड़ने वाली, क्योंकि नेशनल लेवल पर ये जो लोग भी हैं अब पूरी तरीके से जनता इनका साथ छोड़ चुकी है। इसलिए इनके एकजुटता से बीजेपी को फायदा है, और हम तो चाहते हैं कि ठीक है जब ये एकजुट होंगे, एक बार उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा एकजुट हुई, एकजुट हो जाने पर इनके आधार जनाधार भी था, फिर भी हम 64 सीटें जीत के आए, और इनके एकजुट होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि और भाजपा की सीटें बढ़ेंगी। इनको गौशाला और गोथान में अंतर नहीं है, ये सब गायों को लाते हैं वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। देखिए, इनको इनकी समझ ठीक नहीं है, और इसलिए उलूल जुलूल के बयान देने का काम कर देते हैं। ये उनका अपना निजी बयान है। देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के लिए जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 साल का तय किया है, उस रास्ते पे भारत चलेगा, और आने वाले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। सर, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है और वहाँ पे अभी से गारंटी दी कि महिलाओं के पैसे, ये सब अभी से बांटे जा रहे, मतलब इलेक्शन से पहले प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं सर, क्या आश्वस्त हैं आप मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, जीत करके आएगी, और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय चौहान जी ने, शिवराज चौहान जी ने इसको ऐलान किया है, शराब की दुकानें बंद कराई हैं, लोगों में खुशी है, और महिलाओं का एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, बीजेपी की ही सरकार वहाँ पर फुल प्लेस बनेगी।